हे दिस इज़ वैशाली, वेलकम टू माई चैनल मोर ओवर क्रिएशन। इस चैनल पे आपको आर्ट रिलेटेड वीडियोस देखने मिलेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये इको फ्रेंडली गणपति की मूर्ति मैंने कैसे बनाई। अगर आप बिगनर हो तो शाडू मिट्टी कैसे रेडी करते हैं और उससे गणपति की सिंपल मूर्ति कैसे बनाते हैं, ये दोनों ही वीडियोज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। इस वीडियो के बाद वो दोनों ही वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। दोनों वीडियो के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। शुरुआत हमें बेस से करनी है। मिट्टी से चारों तरफ से बॉर्डर बना लेंगे, बीच में सपोर्ट देकर इस तरह से बेस कंप्लीट कर लेंगे। मूर्ति की शुरुआत सेंटर से करेंगे। मिट्टी से बेस के ऊपर मटके जैसा आकार बना लेंगे, उसे अंदर से सपोर्ट देंगे जिससे शेप अंदर की तरफ झुकेगा नहीं। उसी तरह दोनों पैर बनाएंगे और जहां जरूरत लगे वहां मिट्टी से सपोर्ट देंगे। यहाँ पे मैं रफली मूर्ति को आकार दे रही हूँ। शोल्डर और चेस्ट के पार्ट को मैं रफली शेप दे रही हूँ। शेप देने के लिए आप यहाँ वुडन टूल्स का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं धोती को डिफाइन कर रही हूँ। यहाँ पे आप फोल्ड्स प्रॉपर बनाने के लिए रेफरेंस का यूज कर सकते हैं। बाकी दोनों हाथों की पोजीशन भी मैंने फिक्स कर ली है। यहाँ पे मैंने गणपति के दोनों पैर बना लिए हैं। फेस का पार्ट बनाने के लिए एक हाफ सर्कल बना के उसे अंदर से सपोर्ट देना है, ऊपर से और एक हाफ सर्कल लगा के फेस को शेप देना है। आंखों की मार्किंग लेंगे और फेस को शेप देते जाएंगे। दोनों कान लगाकर उनकी प्लेसमेंट चेक करके कान फिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं साइड लोड बना रही हूँ। हाथ की साइज चेक करके हाथ बना लेंगे। हाथ को प्लेस करेंगे, एक्स्ट्रा मिट्टी लेकर हाथ को बॉडी से जोड़ लेंगे। इसी तरह बाकी के चारों हाथ भी बना लेंगे। आंखें बनाने के लिए आप छोटे टूल्स का यूज कर सकते हैं, इससे शेप देने में आसानी होगी। यहाँ पे मैं रफली सूंड लगा रही हूँ।
हमारी मूर्ति रफली रेडी हो गई है। इस पर हमें अब फिनिशिंग का काम करना है। वुडन टूल से मूर्ति को स्मूथ कर लेना है। यहाँ पे सूंड निकाल कर हमें अंदर के भाग को टूल से प्लेन कर लेना है। फिर ब्रश से पानी लगा लेना है। इस तरह से कोई भी स्पॉन्ज लेकर डैप करना है। इससे मूर्ति स्मूथ हो जाएगी। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स भी स्मूथ कर लेने हैं। अब हम गणपति की ज्वेलरी बना लेंगे। ज्वेलरी का काम होने के बाद सूंड को सर से जोड़ लेंगे। अब मुकुट बनाएंगे। टूल्स की मदद से आप इस पे नाजुक डिजाइन्स बना सकते हैं। यहाँ पे मैं माथे का टिक्का और आईब्रोस डिफाइन कर रही हूँ। इस तरह से हमारी मूर्ति रेडी हो गई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाइए। नए वीडियोस के अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। बी क्रिएटिव, बी हैप्पी।